फिरोजाबाद के जसराना रोड पर एक स्विफ्ट कार असंतुलित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिसमें कार सवार तीन लोगों की मौके हो गई और जबकि एक गंभीर बताया जा रहा है। सभी लोग MSC की परीक्षा देकर लौट रहे थे। हादसे की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि फिरोजाबाद के पाड़म के रहने वाले हैं, जो JS यूनिवर्सिटी में MSc की परीक्षा देकर लौट रहे थे। इसी दौरान जसराना के पास बाइक सवार को बचाने में कार असंतुलित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसे में मरने वाले राजेश वर्मा, पूजा वर्मा व शैलेंद्र है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि राजेश वर्मा और पूजा वर्मा भाई बहन हैं। इस हादसे में शालिनी घायल है, जिसके पैर में फ्रैक्चर है, जिसका इलाज जसराना में किया जा रहा है। जिला अस्पताल के में परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। घर की दो चुनाव एक साथ भुज चिराग एक साथ भुज ना, कोई मामूली घटना नहीं है, हर किसी की आग नम है। आज जसराना रोड सिकोबाद रोड पे बनवारा के पास टीकामीर मोड़ है, वहाँ की घटना है। ये स्विफ्ट कार थी, ये बच्चे लोग जो चारों बच्चे उसी में मौजूद थे, जो JS यूनिवर्सिटी से अपना एग्जाम दे के वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में रोडवेज बस स्टैंड को रोडवेज एक बस से जा रही थी, उसको बचाने के चक्कर में एक हादसा घटा और जाके ये खंभे से जाके बिजली के पोल से टकरा गई गाड़ी, जिसमें शैलेंद्र, राजेश और पूजा तीनों की कैजुअल्टी हो गई है और एक बच्ची जो घायल है उसके हाथ में फ्रैक्चर है, वो जतराना जौनामई गांव की है, वो उसका इलाज हो रहा है। वो मेरी भतीजी थी, एक भतीजा था। अच्छा, किस तरह का हादसा था ये? हादसा ये लोग पेपर देने जा रहे थे सुखावाद जी, और पेपर दे के वापस लौट रहे थे, तो किसी मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी पोल में टकरा गई, बहुत भयानक जी। और उसमें बेटी भी ख़त्म हो गई, बेटा भी ख़त्म हो गया, एक बच्चा हुआ था वो भी खत्म हो गया। सैलू नाम गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी स्विफ्ट डिजायर। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी रोहित, फिरोजाबाद।